गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास 8 का लेक्चर करेंगे जिसमें हमने तीन लेसन जो है रीडर पार्ट के वो कंप्लीट कर लिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर लेसन के पीछे एक पोयम है जो कि सिलेबस में आती है, इसलिए हमें इन्हें भी करना बहुत जरूरी है। तो आज जो हम पोयम करने जा रहे हैं उसका नाम है मैके विटी द मिस्ट्री कैट। इसका अर्थ क्या है? ये एक पोयम जो है एक बिल्ली के ऊपर है। एक्चुअल में दिस इज नॉट अ बिल्ली, नेगेटिव, एक रहस्यपूर्ण बिल्ला है। आप लोगों ने कार्टून कैरेक्टर में एज अ इसे देखा है, तो इसके बारे में आप सभी कुछ बच्चे तो अक्सर जानते हैं। आप लोग अगर देखते करते हैं तो उसमें से आप लोग इन्हें पहचानते भी हैं। तो नेगेटिव के बारे में क्या कहा गया है, मैके विटी के बारे में? डू यू हैव अ पेट कैट, क्या आपके पास एक पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट, क्या आप उसकी रहस्यपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं उनके बारे में कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को हर किसी को पता नहीं होती है? इट इज नॉट इजी टू से whether एवरी कैट इज अ मिस्ट्री। ये हर किसी की बात ये नहीं होता कि हर किसी के पास में कुछ ना कुछ जादू या मिस्ट्री उसके पास में कुछ ना कुछ स्पेशल बात हो, उसके अंदर कोई ऐसा रहस्य हो जो आपको पता हो, हम नहीं लगा पाते। बट मैकेविटी इज वन ऑफ फॉर श्योर, लेकिन इनमें से एक मैकेविटी नाम का बिल्ला ऐसा है जिसमें बहुत सारे रहस्य भरे हैं जिनके बारे में सब लोग नहीं जानते हैं। व्हाट इज इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट, उसे एक रहस्यपूर्ण बिल्ला बनाने के लिए ऐसी क्या चीज है? वो चीज आज हम इस पोएम के थ्रू रीड द पोएम एंड फाइंड आउट, ये पोएम पढ़कर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो देखिए, जैसा कि मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ इसके बारे में, मैकेविटी एक रहस्यपूर्ण बिल्ला है, ठीक है? इंग्लैंड की पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वो उन सबको चकमा दे देता है। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा उसको, बहुत सारी चतुराई उसके अंदर फूट फूट कर भरी हुई, वो असंभव काम भी कर जाता है, कभी गायब हो जाता है, कभी कोई अलग अलग रूप धारण कर लेता है, जैसे कि कोई जादूगर हो। सब लोग उन्हें खोजने में लगे, वो कहीं भी कभी भी कहां से कहां आता है, कहां से गायब हो जाता है, किसी को कुछ नहीं पता। उसकी आंखें अंदर घुसी हुई है, वह लंबा है, पतला है, उसका सिर एक गुंबद की गोल तरह से दिखेगा और उसके बाल बिखरे हुए हैं, वो सांप की जैसे चलता है और इस तरह से वो पूरा सजग होके रहता है। ऐसा लगता है जैसे एक दाना बना हुआ है। नैतिकता भ्रष्ट उसको एक बताया गया है कि वो भ्रष्टाचार फैलाने में बड़ा स्पेशल है। तो अपराध करने वाले कभी भी नहीं पाए जाते, पर आप उसे अपराध वाले स्थान पर कभी भी नहीं पाएंगे। बहुत सारे जो लोग हैं वो उसे ढूंढते हैं। तो इस ये जो कवि हैं जिनका नाम है T.S. Eliot, इन्होंने उसके बारे में एक पोएम लिखी है, तो वो पोएम हम पढ़ेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे। उसके बाद में मैं इसकी हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इज दिस क्लियर टू यू? पोएम लिखने की जरूरत नहीं है, पोएम थोड़ी बड़ी है बच्चों, इसलिए आज मैं पोएम नहीं लिखूंगी। हम इसको स्टैंजा वाइज पढ़ेंगे, जैसे मैकेविटी अ मिस्ट्री से लेके नॉट देयर तक, मैकेविटी नॉट देयर स्टैंजा लिखेंगे, है ना? तो स्टैंजा क्या लिखेंगे, इसका स्टैंजा लिख लेंगे। स्टैंजा जैसे नंबर वन, स्टैंजा नंबर वन से शुरू होता है मैकेविटी एम ए सी ए वी आई टी वाई से एंड डैश 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 नॉट, फर्स्ट वाला है नॉट देयर, फोर फाइव लाइन्स है इसलिए, ठीक है? इज दिस क्लियर टू यू? अब मैं एक बार से पढ़ती हूँ फिर आपको इसका हिंदी में मीनिंग समझाएंगे। मैकेविटी टीज इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉप फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डेफी द लॉ, हिज ही इज द बैफल मैन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिसअपीयर डिस्पेयर फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी मैकेविटी नॉट देयर। इसका अर्थ क्या है, देखिए इसमें कुछ वर्ड्स हैं छोटे छोटे, आप उनका मीनिंग लिखेंगे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हम इसके जो वर्ड्स हैं उनको देखते हैं। मिस्ट्री बड़ा रहस्यपूर्ण है, ठीक है, फर्स्ट ही लाइन में आपको दिख रहे हैं। दूसरा है हिडन पॉ, यानी कि हिडन यानी छुपे हुए, पॉ यानी होते हैं उसके पंजे, ठीक है? उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लाइन में लिखा है मास्टर क्रिमिनल। मास्टर क्या होता है, जो अपने कार्य में पूर्ण रूप से निपुण होता है। क्रिमिनल कौन होते हैं, अपराधी होते हैं। हाउ कैन
डेफी द लॉ, हु कैन डेफी द लॉ। यहाँ पर डेफी का मीनिंग होता है जो कभी किसी की बात नहीं मानता है, अवहेलना करने वाला, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद में लिखा हुआ है लॉ यानी कानून। बैफलमेंट, बैफलमेंट का मतलब क्या होता है, पहेली, पजल जिन्हें कहते हैं हम लोग, उन्हें पहेली कहा जाता है। उसके बाद में लिखा है स्कॉटलैंड यार्ड, ये लंदन पुलिस के बारे में बताया गया है, उसका मुख्यालय क्या है, कार्यालय है वहां पर। और डिसअपीयर का मतलब होता है निराशा, और जो भी वहां पहुंचता है उनको वो निराशा ही हाथ में लगती है। आगे आपको यहाँ तक बात समझ में। सेकंड जो बात है वो मैं आपको यही बताने जा रही हूँ, अब हम इसका वन बाय वन करके मीनिंग पढ़ेंगे। मैकेविटी एक रहस्यपूर्ण बिल्ला है, उसे गुप्त पंजाबी कहा जाता है क्योंकि वह एक कुशल अपराधी है जो कानून का खुले आम उल्लंघन करता है, कानून की अवहेलना करता है। वह लंदन पुलिस कार्यालय के लिए पहेली बना हुआ है। उड़न दस्ता जो कि निरीक्षण के लिए, उड़न दस्ते के हाथ में भी निराशा मिलती है, उसे भी जब भी उसे पकड़ने जाते हैं, जब भी कहीं कोई अपराध होता है और जब उड़न दस्ता वहां पर पुलिस वाले जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ भी हाथ नहीं आता है। आगे आपको यहाँ तक बात समझ में। नेक्स्ट इज मैकेविटी नंबर टू। मैकेविटी दो बार लिखा हुआ है, इट इज टू टाइम, एंड लास्ट स्टेंजा में फिर से लिखा है नॉट देयर, ठीक है। यहाँ पर से पढ़ेंगे मैकेविटी मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, मैकेविटी मैकेविटी इसके जैसा कोई अन्य नहीं है। He is broken every human law. वह जीवन, वह मानवीय जितने भी कानून होते हैं, जितने भी कानून बनाए गए हैं, उन्हें वह तोड़ देता है। His powers of levitation would make a fakir state. Yes, fakir state. Levitation का मतलब क्या होता है? वह हवा में उड़ रहा है। Levitation का मतलब हवा में उड़ना। Gravity का मतलब गुरुत्व आकर्षण। उसने तो जमीन में से जो गुरुत्वाकर्षण का बल हमें आता है उसका भी नियम तोड़ दिया है। His powers of levitation would make a fakir state. उसकी हवा में स्थिरता, यानी वो हवा में जब स्थित होता है कला में, वो फकीरों को भी मात देता है, आश्चर्य में डाल देता है। And when you reach the scene of crime, activity not there. और जब आप अपराध स्थल पर पहुंचते हैं तो activity का सुराग हमें वहां पर नहीं मिलता है, ठीक है। And when, sorry, you may see him in the basement. जब आप उसे किसी तहखाने में खोजेंगे, you may look up in the air. तो आपको वह हवा में उड़ता हुआ दिखाई देगा। आप जब बेसमेंट में से ढूंढने जाओगे तो आपको कहीं और दिखाई देता है। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, एक्टिविटी नॉट देयर। मैं लेकिन आपको पुनः बार बार ये बताना चाहता हूँ कि एक्टिविटी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, वो तो आपके हाथ में ही नहीं आने वाला है। नाउ थर्ड पैराग्राफ, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, इजी है, लेकिन बस थोड़े से मीनिंग्स आपको पता लग जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। लास्ट है ऑलवेज वाइड अवेक, ऑलवेज वाइड अवेक। अब यहाँ के थोड़े मीनिंग समझिए। मैकेविटी जिंजर स्कैट, जिंजर कैट का मतलब हल्का सा, जैसे अदरक का जो रंग होता है, जिंजर अदरक समझते हैं, जिंजर अदरक को कहा जाता है, जो जिंजर होती है बिल्कुल उसके जैसा रंग का वो आपको दिखाई देता है, हल्का भूरा नारंगी सा कुछ दिखाई देगा। यू वुड टॉल एंड थिन, टॉल यानी लंबा, थिन यानी पतला। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, इफ यू वुड नो हिम, अगर तुम्हें उसे जानना है तो तुम्हें उसे देखना पड़ेगा। फॉर हिज आईज आर सुकिन इन, सुकिन इन का मतलब क्या होता है, उसकी जो आंखें हैं वो अंदर की तरफ धसी हुई है, थोड़ी अंदर की तरफ है। His brow is deeply lined. Brow का मतलब उसकी जो बाहें हैं, उसकी जो बोहे हैं, वो कैसी दिखाई देती हैं?
उसके माथे पर सल पड़ने लग जाते हैं, वो भौहें दिखाई देने लग जाती है। His coat is just sorry with throw deeply lined, his head is highly torn। और जो वो सल जो उसके सर के ऊपर जब आपको बहुत सारे सलबटे सी दिखाई देती हैं, तो वो कैसी लगेंगी? जैसे कोई गुंबद बना हुआ हो, ठीक है? His coat is dusty from neglect, his whiskers and uncombed। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है उसका कोट किससे भरा है? डस्ट से भरा हुआ। उसके कपड़े जो हैं बड़े गंदे हैं और बेतरतीब तरीके से, मतलब कोई तरीके से उसने कोई सेंस नहीं है उसको कपड़े पहनने का। He saws his head from side to side with movement like a snake। वह अपना सिर इधर उधर इस प्रकार से हिलाता है जैसे कोई आधी निद्रा में सोया हुआ आदमी दिखाई देता हो, या आपको ऐसा लगेगा जैसे स्नेक है जो इधर से उधर रिंकल हो रहा है, बिल्कुल इस तरह से। And when you think he is half asleep, he is always wide awake। और आप अगर उसे ऐसे देखेंगे ध्यान से तो आपको सोता हुआ दिखेगा, लेकिन जबकि वह सो नहीं रहा होता है, उस समय क्या कर रहा हुआ होता है? वो हमेशा जगा हुआ रहता है। आगे आपको यहाँ से कोई और समझ में ना हो, इसका जो लास्ट पैराग्राफ है, फोर्थ वाला स्टैंजा है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है। स्टार्टिंग फ्रॉम एक्टिविटी मैकेविटी और लास्ट में मैकेविटी नॉट दे। कोई बहुत इजी है, लिख के अच्छे से समझ के इसके मीनिंग से मैं लिखूं तो आप वो लिखेंगे और मैं याद करेंगे। मैकेविटी there is no one like मैकेविटी, मैकेविटी के जैसा कोई भी अन्य जीव नहीं मिलेगा आपको। For he is friend of feline shape का मतलब क्या होता है? बिल्ली जैसे, ठीक है? वह बिल्ली के शरीर के वाला बड़ा दाना के जैसा दिखाई देता है, अनैतिक आचरण करने वाला जैसे कोई राक्षस हो, a monster depredator, बिल्ली के जैसा दिखता है, लेकिन बड़ा बिल्ली जैसे होती है, उसमें भी एक ऐसा लगता है राक्षस प्रवृत्ति का यानी दानव प्रवृत्ति दिखाई देने वाला, बड़ा डरावना सा होता है। और a monster depravity, depravity का मतलब क्या होता है? अनैतिक आचरण, और वो हमेशा आपको अनैतिक आचरण वाला देखिए। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं होती है उसके अंदर, है ना? वो किसी की बात नहीं सुनता, वो अपनी मर्जी करता है, ऊपर-नीचे काम करता है। यू मे मीट हिम इन बाय स्ट्रीट, तुम उसे छोटी छोटी गलियों में वह तुम्हें मिल सकता है। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, तुम उसे कहीं चौक में भी देख सकते हो। बट व्हेन अ क्राइम डिस्कवर्ड, लेकिन जब कोई अपराध घटने वाली घटना आपको मिलती है, देन मैकेविटी नॉट फाउंड देयर। लेकिन अगर कहीं कोई अपराध हो जाता है तो वहां पर आपको क्या नहीं मिलती है? वहां पर लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगा। आगे आपको यहाँ पे बात समझ में कि बिल्ला की कहानी है, बिल्ला कैसा होता है, वो क्या क्या काम करता है, ये चीज हमने इसके अंदर पढ़ी। उसकी शरारतें हैं, लोग उससे बहुत परेशान हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता है। अब हम इसके एडवर्ब्स करते हैं, ओके स्टूडेंट्स, विद द मीनिंग और फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। Adverbs with meanings. First है mystery, mystery यानी रहस्य पूर्ण। Number two hidden, छिपा हुआ। नंबर थ्री क्रिमिनल अपराधी, क्रिमिनल अपराधी। नेक्स्ट है डीईएफआई डिफे, अवहेलना, किसी की बात को नहीं मानना, अवहेलना करना, ठीक है?
जब आपको सीधा कहा जाए तो आप टेढ़ा ना करते वही सेम बात है। अब हिलना करना उसके बाद में आएगा बेफिलमेंट। बेफिलमेंट का मतलब क्या होता है? BAFFEL बेफिल MENT मेंट, इसका अर्थ होता है पहेली। आप पजल भी कह सकते हैं, पहेली भी कह सकते हैं, बेफिलमेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है डिसअपीयर। डिसअपीयर डिसअपीयर दिस अपीयर इट मींस निराशा। आप निराश हो जाते हैं इसको कहा जाता है डिस अपीयर। उसके बाद में ब्रोकन यानी तोड़ना। लेविटेशन इसका मीनिंग होता है हवा में उड़ना, हवाई कलाबाजी। हवाई कलाबाजी। नेक्स्ट है स्टेयर। STAR स्टेयर ध्यान देना, ध्यान देना। नेक्स्ट है सीक। सीक का मीनिंग होता है खोजना। जब हम उसे कहीं खोजते हैं वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं देता। बेसमेंट यानी देखाना। बेसमेंट है खाना। नेक्स्ट है संकेत इन अंदर धसा होना, अंदर धसा हुआ। नेक्स्ट है नेग्लेक्ट असावधानी। नेग्लेक्ट यानी कि असावधानी। नेक्स्ट है DOMED डोंट। DOMED डोंट हमने पढ़ा था, उसका जो ललाट है उसपे संजू बनती है डोंट, लाइन जो बनती है क्या कहते हैं डोंट कहा जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है गुंबद। ठीक है। स्वेज यानी घूमना। SWAYS घूमना। स्वेज यानी घूमना। नैतिक
आचरण, ऐसा काम जो किसी को पसंद नहीं आता है, ठीक है, अनैतिक व्यवहार करना किसी के साथ। डिस्कवर यानी कि पता लगाना, डिस्कवर इट मींस पता लगाना। Is this clear to you? Now today I have to finish this poem. यहीं पर छोड़ते हैं। अब इसके जो question answers हैं students हम कल करेंगे next lecture में। आप आज इस poem को copy पर note करेंगे, फिर उसके hard words with their meanings लिखेंगे and you have to learn also. Okay students? Now thank you so much and you have tried to learn this poem. It's very interesting. So thank you once again.